मोदी कैबिनेट ने यूपी में गौंड समुदाय को दिया एसटी का दर्जा, सीएम योगी ने जताया आभार। ग्यारह लाख जवानों को नहीं मिली 100 दिन की छुट्टी, पेंशन बंद तो कैंटीन पर है जीएसटी, अब ऐसे घिरेगी सरकार। कानपुर में जीटी रोड चौड़ीकरण में बाधक बन रहे धार्मिक स्थल को हटाया, दो माह से चल रहा था प्रयास। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष बनने के साथ दिल्ली से चलाना चाहते हैं राजस्थान सरकार। मऊ में सरकारी जमीन पर बने तीन महाविद्यालयों पर चलेगा बुलडोजर, छह संसदीय प्रशासनिक टीम गिराएगी निर्माण। बलात्कार के बाद हत्या लखीमपुर खीरी में, पेड़ से लटकी मिली दो दलित बहनों की लाश, चार आरोपी हिरासत में। दो साल बाद एससीओ सम्मेलन में होगी नेताओं की प्रत्यक्ष उपस्थिति, मोदी और पुतिन होंगे शामिल। लखीमपुर में दलित बहनों की लाश मिलने पर मायावती बोली, अपराधी बेखौफ, कानून व्यवस्था की खुली पोल। महाराष्ट्र में सांगली में चार साधुओं की पिटाई को लेकर बीजेपी पर भड़की शिवसेना, कहा नफरत की राजनीति करती है पार्टी। लखीमपुर कांड में सियासी घमासान, अखिलेश यादव के बाद प्रियंका गांधी और संजय सिंह ने उठाए सवाल। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।